अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो इस इन्वर्टर के बारे में है। दोस्तों ये सोर कंपनी का इन्वर्टर है 1000 वाट का। दोस्तों ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है और मेरी कोशिश होगी कि आपको इसके बारे में तफसील के साथ बताया जाए और आपको समझाया जाए कि आया ये कैसे रिपेयर होता है। ये देखें, ये इसकी आगे एक बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ का और साथ ही आउटपुट की सॉकेट है, और ये पीछे इसके जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ से रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम इसे 12 वोल्ट DC इंपोर्ट करंट देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसे खोलेंगे। 4 पेज इसके आगे लगे हुए हैं और 4 पेज पीछे। दोस्तों एक बात का आपने बहुत ही ख्याल रखना है, जैसे आपने इसे खोलना है उसी तरह आपने इसे फिट भी करना है। ये देखें दोस्तों, हमने इसके जो पेज थे चारों ही, आगे वाले पेज भी खोल लिए हैं और पीछे वाले भी। उसके बाद इसका ऊपर वाला ढकना हम हटाएंगे और अंदर हमने देखा है दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कैपेसिटर अच्छे खासे फटे हुए हैं और अच्छा खासा ही ये ख़राब हुआ हुआ है। ये देखें, फिल्टर जो इसमें थे वो फटे हुए हैं। उसके बाद जो इसकी बॉडी के साथ FET लगे हुए हैं, उनको हमने पेच खोल कर इसकी बॉडी से अलहदा करके सर्किट हमने बाहर निकालना है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके जो इंसुलेटर वगैरह है वो भी हमने संभाल के रख लेने हैं ताकि हमें दोबारा फिटिंग करते हुए परेशानी ना हो। ये देखें दोस्तों, इसका जो ऑसिलेशन हिस्सा है TL494 या K7500 IC लगा होता है, वहाँ पे इसका ब्लास्ट हुआ हुआ है, कैपेसिटर भी फटे हुए हैं अच्छे खासे। अब मज़ीद हम आपको बताते हैं कि ये इसका DC हिस्सा है, ये इसका ऑसिलेशन हिस्सा है। ये 12 वोल्ट करंट इधर से आके ऑसिलेशन होकर इधर से आउटपुट होता है 740 लगे हुए, और ये वाला जो इसका ऑसिलेशन IC लगा हुआ है और इस पर जो सप्लाई आ रही है इस IC को, इसके कैपेसिटर फटे हुए हैं अच्छी तरह। अब इनको हमने कावी की मदद से बाहर निकाल लेना है। ये देखें दोस्तों, कैपेसिटर इसके जो फटे हुए हैं, अब हमने शॉर्ट सर्किट की मदद से इनको सुराख ओपन कर देने हैं दोस्तों, ताकि हमें दूसरे कैपेसिटर लगाते हुए परेशानी ना हो। और उसकी जगह सेम वैल्यू लगानी है हमने, और इसकी जगह जो हमने नए कैपेसिटर लगा रहे हैं उनका नंबर देखकर वही सेम लगाने हैं दोस्तों। 220 UF 16 वोल्ट में हैं दोनों कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो है दोस्तों TL494 या K7500 लगा होता है, उस IC की सप्लाई पर लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों आपने इसकी अच्छी तरह सर्किट की सफाई कर लेनी है, जो कैपेसिटर फटे हुए हैं उनका मलबा वगैरह अच्छी तरह निकाल कर इसको CTC की मदद से या थिनर की मदद से साफ़ कर लेना। और कैपेसिटर की आपने प्रॉपर्टी लाजमी देखनी है, प्लस माइनस देख कर सर्किट में लगाइएगा। जिस तरफ हमारा सफ़ेद निशान है वो नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव। उसके बाद कैपेसिटर हमने सर्किट में लगाए हैं, उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना है कावी की मदद से। इसे हम सोल्ड कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों जो इजाफी इसकी लेग हैं वो आपने इसकी इजाफी लेग काट देनी है ताकि हमारी बॉडी से शॉर्ट ना। उसके बाद दोस्तों इसके मज़ीद आपने FET कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, इनपुट के FET हैं या आउटपुट के FET हैं, वो अच्छी तरह आपने चेक कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसके FET चेक किए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद हम इसे 12 वोल्ट करंट देंगे बैटरी की मदद से। ये देखें दोस्तों, हम इसे 12 वोल्ट करंट दे रहे हैं बैटरी की मदद से। अब हम इसे ऑन करके, इसका जो बटन आ गया है ऑन करके देखेंगे। ये देखें दोस्तों, हमने इसे ऑन किया तो ग्रीन लाइट जो आपको रेड के साथ नज़र आ रही है वो ऑन हो गई, ये देखिए ऑफ हो गई। अब मज़ीद हम इसे मीटर लगा कर चेक कर रहे हैं कि आया कि AC कितने वोल्ट निकल रहे हैं। ये देखें दोस्तों, 229 वोल्ट निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम इस पर 100 वाट का बल्ब का लोड डालेंगे और फाइनली इसे चेक करेंगे कि आया ये हमारा इन्वर्टर लोड भी उठा रहा है या इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों। अब ये देखें, अब हम इसको 100 वाट का बल्ब है होल्डर में लगा के वो देखें, हमने इसे ऑन किया तो ये
एक्सप्लोशन हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और हमने इसे फाइनली चेक कर लिया है। और दोस्तों एक सबसे अहम बात जो आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसे जैसे खोला है आपने उसी तरह इसे फिट करना है, कोई गलती नहीं करनी वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये देखिए हम इसे बॉडी में फिट कर रहे हैं और इसके जो FET हैं उनके पीछे जैसे इंसुलेटर की शीट लगी हुई थी अपरक शीट, वो आपने उसी तरह लगा देनी है और उसी तरह ही फिट कर देनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।